दोस्तों, अगर आपने भी SBI बैंक से लोन ले रखा है या फिर आपका कोई लोन SBI बैंक में चल रहा है तो आप उसकी स्टेटमेंट किस प्रकार से देख सकते हैं आपके मोबाइल के माध्यम से, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल संपर्क ऑनलाइन पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में SBI योनो बैंकिंग मोबाइल ऐप को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद में आपको इस पे रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर की प्रोसेस अभी दोस्तों मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है इस ऐप पे, तो मैं आपको रजिस्टर की प्रोसेस तो नहीं बता सकता, लेकिन इन फ्यूचर में रजिस्टर किस प्रकार से करना है आपको SBI योनो ऐप में, उसकी वीडियो इस चैनल पर ज़रूर लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको वो वाली वीडियो भी देखने को मिल सकती है। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको योनो SBI, अगर आप रजिस्टर हो तो आप लॉगिन कर लीजिएगा, और लॉगिन होने के बाद में मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आप आपके जो SBI बैंक में आपका जो भी लोन चल रहा है वो लोन आप किस प्रकार से उसकी स्टेटमेंट देख सकते हैं। पूरी डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 256, यहाँ पे मैंने SBI मोबाइल बैंकिंग का पिन मैंने डाल लिया है और मैं यहाँ से SBI योनो ऐप में लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले ऊपर की ओर देखिएगा अकाउंट्स, अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे ही यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे से फर्स्ट में जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे माय बैलेंस दिखेगा, जो भी आपके अकाउंट में बैलेंस है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसी के बगल में आपको माय डिपॉजिट, माय बोरोविंग, जो थर्ड वाला ऑप्शन है माय बोरोविंग, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे अदर्स लोन दिख रहा है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। अदर्स लोन पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी SBI बैंक में करंट में लोन एक्टिव होगा, चल रहा होगा, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ से दिख जाएगी। यहाँ पे आपका जो भी बैंक में लोन चल रहा है, लोन अकाउंट नंबर आपको दिख जाएगा। उसी के साथ में आपकी कितनी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट बची है पे करने के लिए, यहाँ पे रिमेनिंग ड्यूरेशन में आपको दिख जाएगी। 8 इंस्टॉलमेंट मेरी अभी रह चुकी है, और आउटस्टैंडिंग अमाउंट जितना भी आपका लोन अभी बचा हुआ है, बकाया है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसा कि मेरा यहाँ पे 9,979 रुपये का लोन अभी चुकाना बाकी है। साथ में उसी के नीचे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है आपके बैंक में जो लोन ले रखा है उस पर, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और EMI आपकी पर मंथ की कितनी है, 1,289 रुपये की मेरी EMI है, यहाँ पे मैं पे कर रहा हूँ। उसी के नीचे आपको ट्रांजेक्शन डिटेल दिख जाएगी, आपने पर मंथ कितनी कितनी EMI पे की है, उसी के साथ में बैंक के द्वारा कितना इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपका कोई पेमेंट डिले हुआ है तो उस पर जो लेट फीस लगी है उसकी भी आप यहाँ से डिटेल देख सकते हैं। ट्रांजेक्शन में सारी डिटेल आपको दिख जाती है। इस प्रकार से आप आपके मोबाइल के माध्यम से लोन स्टेटमेंट देख सकते हैं बैंक का। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई सवाल हो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं SBI योनो ऐप पे किस प्रकार से रजिस्टर कर सकते हो उसकी वीडियो भी जल्दी ही चैनल पर डालने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।